नई संसद में मोदी सरकार जो है उनका पहला बजट पेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है बजट। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है किसानों के लिए MSP को बढ़ाया गया, घर घर नल से जल मिल रहा है। वहीं सीतारमण ने किसानों की आय को भी बढ़ाने की बात कही। सीतारमण 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने परिवारवाद को खत्म किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया गया है, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद पहुंचाई गई है, गरीब महिला किसान युवा पर पूरा फोकस है, देश में 15 नए एम्स भी बनाए। सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में नए 390 विश्वविद्यालय भी बनाए, 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण मिला है, आम आदमी की औसत आय 50% तक बढ़ी है, 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिली है, 5 साल में 2 करोड़ घर देने का लक्ष्य भी निर्धारित हुआ है। वहीं 7 नए IIT, 7 नए IIM खोले गए हैं। महिला उद्यमी को 30 करोड़ मुद्रा लोन भी दिया गया है, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 30 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। देश में 83 लाख स्वयं सहायता समूह विकसित हुए हैं। मछुआराओं को 55 लाख रुपए की नौकरियां मिली हैं और 75,000 करोड़ का ब्याज भी मुफ्त लोन के जरिए दिया गया है। वहीं रेलवे में 44,000 बोगियां बढ़ाई जाएंगी, 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सीतारमण ने इन सब बातों का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि ई वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा और आय दाताओं को फिलहाल इस बजट में कोई भी राहत नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि बजट में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र किया। ई वाहन के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा और 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आयकर दाताओं को फिलहाल राहत नहीं है। बजट से काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही थी, तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं बजट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है सरकार का और इस बजट में तमाम घोषणाएं भी की गई हैं। आपको बता दें कि बजट में 3 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव की बात कही गई। देश में 83 लाख सहायता समूह को विकसित किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे बजट से जुड़ी बड़ी बातें। बता दें विकास में सभी लोग भागीदार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के लिए मजबूत बुनियाद जरूरी है, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम हो रहा है, सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, घर घर नल से जल मिल रहा है, किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विकास में सभी लोग भागीदार बने। महत्वपूर्ण बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के लिए मजबूत बुनियाद जरूरी है और लगातार सरकार जो है उसके लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। वहीं बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है ये भी जान लीजिए। महिलाओं के लिए विकास पर सरकार का पूरा फोकस है, महिलाओं को उद्यम लगाने पर सरकार का पूरा जोर है, लखपति दीदी योजना से सभी महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है, 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। महिलाओं का भी जिक्र उन्होंने बजट में बखूबी किया। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है इसका उन्होंने जिक्र किया। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाया गया है। तो बजट में महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन सब बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है। महिलाओं को उद्यम लगाने पर
सरकार जोर दे रही है। लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन में लगातार बदलाव भी नजर आ रहे हैं। वही बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, बजट से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया गया है। स्वरोजगार के लिए 34 लाख का लोन दिया जा रहा है ताकि लोग स्वरोजगार को अपना सकें। सात नए IIT व 7 नए IIM बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत 70% महिलाओं को घर भी मिला है। 5 सालों में 2 करोड़ गरीबों को घर दिए जाएंगे। इन सब बातों का जिक्र किया है निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और विकास की गति से काम कर रही है। देश में सभी को पक्का मकान देने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं के लिए 309 ITI बनाए जाएंगे और 3 बड़े रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। 41,000 रेल डिब्बे वंदे भारत योजना के तहत बन रहे हैं। 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन भी दिया गया है लोगों को। तो बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 2014 से 2023 में FDI काफी बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार देखा जा रहा है। GDP के 4.5% के नीचे राजकोषीय घाटा ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 साल में टैक्स कलेक्शन 3% से ज्यादा हुआ है। फिलहाल 7 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव इस बजट में नहीं किया गया है और इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। किसानों को मजबूत करने पर सरकार का लगातार जोर है और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बजट में किसानों के लिए भी काफी कुछ कहा गया है। नैनो यूरिया का दायरा भी बढ़ाएंगे, इस बात का भी जिक्र किया है। नीतियों से किसानों की आय बढ़ी है। वहीं गरीब महिला किसान युवा पर पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि हम किसान को बहुमुखी बनाना चाहते हैं ताकि किसान के साथ देश का भी विकास हो सके। वहीं किसानों के लिए MSP को भी बढ़ाया है।